हेलो, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम जो कर रहे थे अपने टॉपिक समझ में आए? यस सर। खुद का रिवाइज किया थोड़ा कि नहीं कर पाए? सर वो पिछली बार डबल स्पीड वो आपने समझाया था ना, हाँ वो तो उसमें बीच में ही मेरा नेट खत्म हो गया था, तो अच्छा, मुझे हाँ, बीच में आप हो गए थे। चलो, बोर्ड आपको दिख रहा है बराबर? अभी सब एग्जैक्टली क्लियर है बोर्ड? यस सर। ओके। अभी कोई आपको स्पेशल लेसन या टॉपिक जो कवर करना है, क्योंकि वे ऑप्टिक्स चैप्टर तो हो गया था अपना, अब आपकी कोई स्पेशल चैप्टर है जिसमें आपको डिफिकल्टी हो, डाउट हो, या कोई टॉपिक हो, विषय जो समझना हो, तो अपन उसको डिस्कस कर लें। आपका MP बोर्ड ना? यस सर। हाँ, सिलेबस तो दोनों में सेम ही है, पर कोई अगर स्पेशल टॉपिक हो तो उसको अपन डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर ये नेक्स्ट चैप्टर है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन हाँ मैटर का। ठीक है, ठीक है। सर इसका ये टॉपिक था, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, हाँ उसमें इफे ये था स्टॉपिंग पोटेंशियल। सर हाँ उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी चलो ठीक है। तो इसमें। अपन अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टॉपिक से शुरू करते हैं, है ना? उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस और सब समझ लेते हैं, ठीक है? ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने के लिए सबसे पहले अपने को समझना है कि क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो मतलब क्या होता है? फोटो कैसे रिलेटेड है? फोटो मतलब लाइट से रिलेटेड, लाइट। लाइट कन्वर्ट्स टू इलेक्ट्रिक, मतलब करंट बोल लो, वोल्टेज बोल लो, जो भी बोल लो। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टॉपिक में हम लाइट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, या करंट में बोल लो उसको अपन, ठीक है? मतलब एक ऐसा हम मैकेनिज्म बनाएंगे जिस पे लाइट गिरेगी तो वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होगी। ये आपको थोड़ा सा भी हो सकता है कन्फ्यूजन हो, ये फोटोवोल्टाइक सेल में भी ऐसे ही होता है, बट फोटोवोल्टाइक सेल थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक से अलग है। फोटोवोल्टाइक सेल में हम सिलिकॉन या उसका सेल बनाते हैं, जिसको सोलर सेल बोलते हैं, उस पर लाइट गिरती है और सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी में। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी अपन लेते हैं मेटल सरफेस लेते हैं। सिलिकॉन क्या आ गया? सेमीकंडक्टर आ गया। इसमें हमने एक मेटल सरफेस ली, मेटल सरफेस लेते हैं। मेटल सरफेस पे हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पे फॉल करेंगे, उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं न्यू जीरो, जो कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको भी अपन समझेंगे पूरा। जब इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट इसके ऊपर गिरेगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना शुरू हो जाते हैं, जो उसकी आउटर सरफेस में होते हैं। मेटल्स हम इनको बोलते हैं, मेटल्स उनको बोलते हैं जिनके आउटर सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं। अंजलि, हेलो, अंजलि, यस सर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला लेसन शुरू करा है, लेसन नंबर 12, जो CBSE सिलेबस के हिसाब से है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला टॉपिक शुरू करा। आप कौन से स्कूल से हो अंजलि? एक्सलेंट माउ स्कूल से आप सर। भी माहू स्कूल से? ठीक है, ओके, है ना? तो हमने शुरू किया कौन सा लेसन? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें मैं ये समझा रहा था कि अगर अपन एक मेटल सरफेस ली, जैसे कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कोई भी मेटल सरफेस ले सकते हैं, उस पर एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट की लाइट जब हम गिराते हैं, फॉल कराते हैं उस लाइट को, और उसको एक वोल्टेज भी सप्लाई करते हैं बाहर से, तो जब हम इस लाइट को इसके ऊपर फॉल कराएंगे तो उस लाइट के कारण
इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना शुरू हो जाते हैं उस मेटल सरफेस से, और जो हम एक्स्ट्रा पोटेंशियल लगाएंगे उसके कारण वो इलेक्ट्रॉन्स फिर मेटल सरफेस से किसी दूसरे प्लेट की तरफ जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो उसके कारण एक करंट इंड्यूस होता है, उसको बोलते हैं फोटो करंट। क्या बोलते हैं? फोटो करंट। पर ये जो तरीका है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का नहीं तरीका होता है, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट जरूर कर रहे हैं करंट में, पर ये तरीका किसी भी मैटर की स्टडी करने के लिए होता है। देखो चैप्टर का नाम क्या है, ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर। इसके पिछले जो दो चैप्टर्स आते हैं, एक आता है रे ऑप्टिक्स, एक आता है वेव ऑप्टिक्स, उसमें हम लाइट का इन रेडिएशन का रे नेचर भी पढ़ते हैं, वेव नेचर भी पढ़ते हैं। तो फिर उसके बाद साइंटिस्ट को क्वेश्चंस मिला, मतलब उनको सोचने का वो मिला कि अगर लाइट दोनों तरह से बिहेव कर रही है, रेडिएशन दोनों तरह से बिहेव कर रहा है, तो मैटर भी दोनों तरह से बिहेव करना चाहिए। मैटर मतलब कोई भी पार्टिकल है, कोई भी मटेरियल है, अपन लोग हैं, कोई भी चीज़ें, वो सब मैटर में आती है। तो मैटर का हमको पार्टिकल नेचर तो मालूम है, एक पेन दिख रहा है ये मैटर का पार्टिकल नेचर के कारण है। इसमें हमको मैटर का वेव नेचर स्टडी करना है, और उसके लिए हमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को पूरा पढ़ते हैं। तो पहले इसका अपन एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझते हैं क्या होता है, फिर इसके ऊपर हम आएंगे डिटेल में। आ रहा है पंकज समझ में? यस सर। ओके, इसकी हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे। अंजलि का इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है? सर इंग्लिश मीडियम है। वेरी गुड, है ना। तो मैं मिक्स लैंग्वेज यूज करूंगा, टर्म्स इंग्लिश में और बोलने की भाषा हिंदी इंग्लिश मिक्स। ये हमने एक ऐसी ट्यूब ली, इसको बोलते हैं इवैक्यूएटेड ट्यूब। इवैक्यूएटेड ट्यूब मतलब अंदर पूरा वैक्यूम है, बहुत कम प्रेशर रहेगा एयर का, सारी एयर इसमें से हम निकाल लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। फिर यहाँ पर एक ऐसी विंडो बना रखी है जिसको क्वार्ट्ज विंडो बोलते हैं। इस क्वार्ट्ज विंडो के थ्रू एक सोर्स से, यहाँ पर एक सोर्स है, उस सोर्स से लाइट आती है जो किसी मेटल सरफेस पे गिरेगी। यहाँ पर एक मेटल सरफेस है ऐसी, जिसको हमने सी नाम दे दिया, सी मतलब कैथोड, सी मतलब कैथोड। यहाँ पर एक और मेटल सरफेस है, ए मतलब एनोड, ये ए है। एनोड को अपन बोलते हैं, जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल देते हैं, कैथोड जिसको नेगेटिव टर्मिनल देते हैं। हालांकि यहाँ पे अपन टर्मिनल चेंज भी करेंगे, पर मेनली कैथोड का मतलब होता है जो नेगेटिव आयंस एमिट आउट करे, कैटायंस। एनोड का मतलब होता है जिसके पास पॉजिटिव आयंस ज्यादा हो, एनायंस। अब इसको हमने क्या करा, एक सोर्स लगाया इलेक्ट्रिसिटी का, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस का। देखो अभी मान लो इसमें हमने बीच में कुछ भी नहीं लगाया यहाँ पे, और जब हम यहाँ से लाइट गिराएंगे, अगर इस लाइट की फ्रिक्वेंसी, इस लाइट की एनर्जी ई फाई नॉट के बराबर है, यानी एच न्यू नॉट के बराबर है, ई नॉट बोल रहे हैं इसको भी अपन, जिसको हम बोल रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब मिनिमम एनर्जी, कम से कम ऐसी एनर्जी जो इसके ऊपर गिरेगी तो इससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होंगे, उससे कम एनर्जी गिरने पर इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट नहीं होंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये जो न्यू जीरो है, न्यू जीरो को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इससे कम फ्रीक्वेंसी अगर इस लाइट की होगी तो एनर्जी एच न्यू नॉट से कम होगी और इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट नहीं होंगे। ज्यादा हो सकती है पर कम से कम इतनी होना चाहिए। ये जो फाई नॉट है जिसको हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला है, इसको एक और नाम दिया अपन ने, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब इस मेटल प्लेट से वर्क डन हमको कराना है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट कराना है, इतनी कम से कम एनर्जी देना उसको जरूरी है। अब ये जो हमने बाहर से एक एक्स्ट्रा सोर्स कनेक्ट किया है, यहाँ पे एक्चुअली क्या है, हम एक ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि इस अरेंजमेंट से हम जो बाहर से पोटेंशियल लगा रहे हैं उसको चेंज कर सके, है ना। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एक तरफ कहीं ऐसा सर्कुलर ले लेंगे, क्योंकि जब भी ज्वाइंट होता है तो उसको सर्कुलर शो करते हैं, आप लोगों ने टेंथ में पढ़ा है। अब अपन ने क्या करा, इस वाले पॉइंट से तो इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ से, नहीं ये एक मिनट, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो यहाँ, ये जो है ना, ये जो पॉइंट है ये यहाँ आएगा, ये इससे आ जाएगा, ये जो पॉइंट है यहाँ आएगा, ये इससे आ जाएगा, और इन दोनों पॉइंट से एक बैटरी कनेक्ट हो जाएगी, इसी बैटरी,
बैटरी में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लग जाएगा और यहीं पर हमने एक वोल्टमीटर लगा दिया पैरेलल में वोल्टेज नापने के लिए। ये बैटरी का प्लस, ये बैटरी का माइनस। ये रेजिस्टेंस कौन सा है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। जैसे रियोस्टेट आपने करा होगा, अगर प्रैक्टिकल आपने करो लैब में जाके, तो रियोस्टेट से क्या करते हैं अपन, रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं। जब उसके ऊपर एक जॉकी ऐसा घुमाते हैं और उसमें बहुत सारी कॉइल्स होती है, तो रेजिस्टेंस चेंज होता है। रेजिस्टेंस चेंज होगा तो बैटरी का जो पोटेंशियल इसको मिल रहा है वो चेंज होगा। और ये जो स्विच है, ये जो चार वाला दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं कम्यूटेटर स्विच। जब मैं इसको इधर इसको उल्टा कनेक्ट कर दूंगा, ये उधर कनेक्ट हो जाएंगे, तो इस पे जो पोटेंशियल का टर्मिनल चेंज हो जाएंगे। अभी हमने इसको नेगेटिव दिया है, इसको पॉजिटिव दिया है, बाद में इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव हो जाएगा। अपन चलेंगे एनोड के पोटेंशियल से। एनोड को बोलते हैं अपन प्लेट। तो प्लेट पोटेंशियल से अपनी सारी स्टडी चलेगी। जो आप पूछ रहे थे ना स्टॉपिंग पोटेंशियल पंकज, वो एनोड का ही पोटेंशियल, वो एनोड का ही पोटेंशियल रहेगा। अभी समझते अपन कैसे। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप पूरा समझ में आया? ये सोर्स है लाइट का, ये विंडो है, इसको बोलते हैं क्वार्ट्ज विंडो। क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज एक मटेरियल होता है, तो क्वार्ट्ज विंडो में से लाइट जाएगी एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की। ये सी मतलब कैथोड प्लेट हो गई, जो मेटल सरफेस है। ए मतलब एनोड प्लेट हो गई, ए मतलब एनोड प्लेट है ना। ये बैटरी, रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर, और ये जो है ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। फोटो सेंसिटिव मतलब सेंसिटिव टुवर्ड्स लाइट, फोटो सेंसिटिव मटेरियल। अभी कुछ प्रैक्टिकल किए स्कूल में आप लोगों ने, कभी नहीं किए? नो सर। तो प्रैक्टिकल के लिए आप ध्यान रखना, एक आप साइट भले लिख लें, olabs.edu.in शायद ऐसा कुछ है। इस पर अगर आप ढूंढोगे तो आपको 12 के सारे प्रैक्टिकल लाइव मिल जाएंगे, करने का भी मौका मिल जाएगा। थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, ये मोबाइल पे ही नहीं चलता, इसके लिए आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप या कोई कंप्यूटर ऐसे पे चलाना पड़ेगा। तो आप प्रैक्टिकल पूरा करके देख सकते हो, परफॉर्म करके आपको रीडिंग भी मिल जाएगी, सारी प्रोसीजर भी मिल जाएगी, सब लिखा हुआ भी मटेरियल मिल जाएगा। अपनी आपको फाइल में आराम से आप लिख भी सकते हो, जब भी स्कूल से आपको बोलेंगे। तब तो हमने क्या करा, यहाँ से तो लाइट अपन गिरा रहे हैं। लाइट की मिनिमम एनर्जी एच न्यू नॉट या मिनिमम फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट होना जरूरी है। जब वो इसके ऊपर गिरेगी कैथोड प्लेट के ऊपर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन निकल गए बहुत सारे। अब हमने इस बैटरी के थ्रू नेगेटिव पोटेंशियल किसको दिया, इसको दे दिया, और पॉजिटिव पोटेंशियल किसको दिया, इसको दे दिया। देखो इसमें हम क्या करेंगे, जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, ये वाला इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो देखो नेगेटिव यहाँ से चले अपन, यहाँ गए, यहाँ से इधर चले गए, यहाँ से इसको चले गए, तो इसको क्या मिला, नेगेटिव मिला। ये पॉजिटिव है नहीं, ये सॉरी ये इससे रहेगा, ये इससे रहेगा, यहाँ से ये इधर गए, इसको पॉजिटिव। तो अभी कैथोड पे नेगेटिव है, एनोड पे पॉजिटिव है। अंजलि, नेगेटिव जो टर्मिनल होता है, नेगेटिव जो पोटेंशियल होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है कि अपने से दूर भगाता है? अंजलि, यस सर। नेगेटिव पोटेंशियल होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है कि अपने से दूर भगाता है? सर रिपल्सन करता है। रिपल्सन करता है, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर ट्रेवल करने लग जाएंगे, बिल्कुल बढ़िया। संजय, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला लेसन पढ़ रहे हैं बेटा अभी अपन, है ना। मैं पहले इफेक्ट समझा रहा हूँ, फिर उसके कॉन्सिक्वेंस समझेंगे अपन। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने लग गए, एनोड प्लेट की तरफ। अच्छा संजय बताएगा, जो एनोड प्लेट है जिस पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? संजय, अंजलि ने बताया कि नेगेटिव जो प्लेट है इलेक्ट्रॉन को अपने से धक्का देती है, पॉजिटिव क्या करेगा? पंकज आप बताओ, संजय का शायद ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है अभी। पंकज अट्रैक्ट करेगा। तो इसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव प्लेट से निकल के पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और हमको एक करंट मिल जाएगा इसमें, जिसको हमने नाम दिया था फोटो करंट। अब हमने धीरे धीरे क्या करा, कैथोड प्लेट का पोटेंशियल कम करना शुरू किया, एनोड का पोटेंशियल बढ़ाना शुरू किया। या इसको ऐसा बोले अपन, एनोड प्लेट की बात करते हैं अपन। तो अभी एनोड पे पॉजिटिव था, इस पे नेगेटिव था,
हमने एनोड प्लेट को धीरे धीरे कम करना शुरू करा। इसमें 5 वोल्ट था, अभी 4 वोल्ट किया, 3 वोल्ट किया, 2 वोल्ट किया, 1 वोल्ट किया। जितना जितना हम एनोड प्लेट में पोटेंशियल कम करेंगे उतना इसका जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी कम होती जाएगी। पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी जब हमने इसका पोटेंशियल जीरो कर दिया। अब जीरो करने के बाद भी क्या हो रहा है, हमने मान लो टोटल एनर्जी दी ई, इस लाइट की एनर्जी कितनी, टोटल ई दी, इसमें से जो ई नॉट है जिसको हम फाई नॉट बोल रहे हैं वो तो लग गई कायम है इलेक्ट्रॉन्स को एमिट आउट करने में इस प्लेट से, प्लस जो बची वो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी लेके नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे। भाई उसको एनर्जी चाहिए थी 5 यूनिट, हमने दे दी 7 यूनिट, तो 7 यूनिट में से 5 यूनिट एनर्जी तो उसने निकाल ली अपने आप को एमिट करने के लिए, 2 यूनिट जो एनर्जी बची वो उसके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। और इवन यहाँ पे हमने जीरो पोटेंशियल कर दिया, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो है, पर फिर भी इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाएंगे, तो अभी भी हमको फोटो करंट मिल रहा है। अब हमने इसके एनोड के पोटेंशियल को, प्लेट के पोटेंशियल को नेगेटिव करना शुरू कर दिया, -1 किया, -2 किया, -1.5 किया, -2.5 किया, तो नेगेटिव तक में भी कुछ ऐसी स्टेज आ रही है कि कुछ काइनेटिक एनर्जी इतनी मिल रही है इलेक्ट्रॉन्स को जिससे वहां तक जा पा रहे हैं, तो फोटो करंट हमको अभी भी मिल रहा है। पर एक पोटेंशियल ऐसा आएगा जिसको बोलते हैं -V0। मान लो -3 आ गया, -1.7 आ गया, एक पोटेंशियल ऐसा आएगा जिसके बाद ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा पाएंगे क्योंकि नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव वाला रिपेल करेगा, अब उल्टा हो जाएगा। ठीक है सुमित सिंह, आप कौन से स्कूल में बेटा? सुमित सिंह सर, एक्सेलेंस स्कूल में हूँ। ठीक है, गुड। तो ये जो एनोड प्लेट पोटेंशियल है इसको हमने जैसे ही -V0 किया इसने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना बंद कर दिया, बल्कि रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं पाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जब कैथोड से एनोड प्लेट तक नहीं पहुंचेंगे तो करंट जनरेट नहीं होगा। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, बट हम जब भी बात करते हैं बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 है। माइनस तो इसलिए क्योंकि नेगेटिव उसका साइन है, बाकी V0 बोलते हैं उसको, और वैल्यू हमेशा उसके नेगेटिव में आएगी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या मिला, -V0 मिला। आपने कहा इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो वो -5 होगा एक्चुअली, क्योंकि हम एनोड के पोटेंशियल की बात करते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हुआ कैसे अपन ने इसकी पूरी बात करी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की? यस सर। सुमित सिंह क्या कनेक्ट नहीं हो पा रहा बराबर बेटा आपका नेटवर्क? अब भी स्टूडेंट हो ना सुमित सिंह? यस सर। ओके, तो नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो पा रहा है क्या, कि हो गया आप ठीक है? सर ये थोड़ा थोड़ा आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। ओके ओके ठीक है, तो आप आवाज भले ही म्यूट रख सकते हो, जरूरत पड़े तो चैटिंग से बात कर लो, मैसेज से बात कर लो, है ना, पर रेगुलर इसमें रहोगे तो अच्छा रहेगा। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप से रिलेटेड, इसमें किसी को कोई भी टर्म में किसी चीज में कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अंजलि, पंकज जैन, सुमित सिंह तीनों। ठीक है, यहां तक रब करूं उसको मैं, आगे बताऊं बेटा? यस सर, क्लियर है। ओके, अब जब हमने फोटो करंट इससे जनरेट किया तो इसमें हमको अब ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो फोटो करंट को इफेक्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहला लिखो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी किसकी, लाइट की, जो हम एस सोर्स से लाइट इसके ऊपर गिरा रहे थे। देखो जो हमारी लाइट है जो एस सोर्स से आ रही है, जो अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, उसमें दो कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट होती है,
एक होती है लाइट की फ्रीक्वेंसी, जिसको न्यू बोलते हैं, एक होती है लाइट की इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब लाइट की ताकत, फ्रीक्वेंसी मतलब लाइट की एनर्जी। हमने बोलते ना बहुत तेज लाइट है, मतलब हम इंटेंसिटी की बात करते हैं, और फ्रीक्वेंसी मतलब उसकी एक एनर्जी होगी जो हमको दिखती नहीं है। फ्रीक्वेंसी है तो उसकी कुछ एनर्जी भी होगी। ये अक्षर पढ़ने में आ रहे बेटा बोर्ड पे आपको? यस सर। ओके, तो फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी भी हो गई एच न्यू, और इंटेंसिटी मतलब उसकी कोई ताकत हो गई, लाइट की क्वांटिटी हो गई। ये जो फ्रीक्वेंसी न्यू है, ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो से बड़ी होना जरूरी है इस लाइट के पास, तभी इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे उस प्लेट से, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। इंटेंसिटी हम कितनी भी कम रख लें, कितनी भी ज्यादा रख लें, जो मेटल प्लेट अपन ने ली है उससे जिससे हमको फोटो करंट जनरेट करके इलेक्ट्रॉन एमिट कराना है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए मस्ट कंडीशन है कि न्यू जो है वो न्यू जीरो से बड़ा होना चाहिए। न्यू जो है वो न्यू जीरो से बड़ा होना चाहिए। न्यू अगर न्यू जीरो से बड़ा है तो इंटेंसिटी कम है या ज्यादा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही निकलेंगे। हाँ, इंटेंसिटी से क्या चीज फर्क पड़ती है? इंटेंसिटी फर्क पड़ेगी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को निकलना है तो उसको न्यू से, न्यू को न्यू जीरो से बड़ा होना जरूरी है, या मिनिमम न्यू जीरो के बराबर तो होना जरूरी है। उससे कम होने पर कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा ले, एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। पर अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे और फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी न्यू जीरो से ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंचेंगे एनोड प्लेट तक, और ज्यादा एनोड प्लेट तक पहुंचेंगे तो करंट बढ़ जाएगा। करंट क्या होता है? आई इज इक्वल टू चार्ज क्यू अपॉन टी। आई क्या होता है? क्यू अपॉन टी, एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो करंट होता है। तो क्यू अपॉन टी जब है अपने पास तो ज्यादा से ज्यादा चार्ज फ्लो होने के लिए ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इंटेंसिटी का क्या फर्क पड़ा? हमने इंटेंसिटी बढ़ी लाइट की तो नंबर बढ़ा, नंबर बढ़ा तो चार्ज बढ़ा, चार्ज बढ़ा तो करंट बढ़ा। तो करंट जो होता है इंटेंसिटी पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। ये इंटेंसिटी, ये करंट। ये तो इंटेंसिटी जो होती है उस पे लाइट, उस पे करंट डायरेक्टली डिपेंडेंट है। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा। हाँ, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना पहले जरूरी है कि फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा हो, तभी हम इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ा पाएंगे। नोट कर लो इसको फटाफट इतनी जल्दी से, और भी जो बोर्ड पे लिखा साइड में वो भी नोट कर लो, वो भी सब इसी पॉइंट से रिलेटेड है। दीपू आप कौन से स्कूल में हो? दीपू दीपू कितना लिख लो, फिर अगला पॉइंट कराता हूँ मैं। ये इंटेंसिटी का इफेक्ट हो गया लाइट के ऊपर। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा, फोटो करंट बढ़ता जाएगा। इसको फोटो करंट भी लिख सकते हैं अपन, करंट को फोटो करंट भी बोल सकते हैं। लिखा बेटा? यस सर। अब अपन नेक्स्ट पे आते हैं। अब लिखो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, सबने लिख लिया बेटा? सबको समझ में आया है? आप लोग लिखने के बजाय इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो बाद में लिखने के लिए, पर समझ में आना जरूरी पहले। संजना? यस सर। सुमित आ रहा है समझ में सबको? सर वो ऑडियो में अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहा था सर, बार बार बाहर फेंक रहा था सर। तो आप ऑडियो में सुन ही तो आ रहा है ना, आपको आवाज आ रही है ना बेटा, तो आप ऑडियो मत करो, सुन लो खाली।
वीडियो दिख रहा है लेकिन ऑडियो नहीं आ रहा, मतलब अच्छा आवाज नहीं आ रही होगी, तो उसके लिए तो कनेक्ट करनी पड़ेगा। अब आ रहा है, ठीक है। यस सर, अब आ रही है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं अपन, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट। पोटेंशियल कौन सा? प्लेट करंट पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। सेकंड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। प्लेट पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, मतलब ए वाले पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने जैसे आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन एमिट करने के लिए क्या जरूरी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो होना जरूरी है। जब हमने न्यू जीरो की लाइट दे दी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली लाइट उसको प्रोवाइड कर दी, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना शुरू हो गए। इलेक्ट्रॉन जब एमिट होना शुरू हो गए, फिर हमने पोटेंशियल लगाया, प्लेट पोटेंशियल। तो प्लेट पोटेंशियल जितना पॉजिटिव में बढ़ता जाएगा, उतने वो तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती जाएगी प्लेट, एनोड प्लेट। और एनोड प्लेट उतना ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो उतना ज़्यादा करंट उसको मिलेगा, बट इसकी एक लिमिट होती है। एक लिमिट के बाद जाके आप प्लेट पोटेंशियल को कितना भी बढ़ा लो, इलेक्ट्रॉन तो उतने निकल रहे हैं, तो करंट क्या होता है, सेचुरेशन हो जाता है, उससे ज़्यादा करंट हमको फिर नहीं मिलेगा। और जब हम नेगेटिव में प्लेट पोटेंशियल जाते हैं, जो मैंने भी स्टॉपिंग पोटेंशियल समझाया था, जब नेगेटिव में हम प्लेट पोटेंशियल जाते हैं तो क्या होता है, एक लिमिट के बाद जाके करंट फ्लो होना बिल्कुल बंद हो जाता है, तो उसका ग्राफ ऐसा आएगा। एक बार ग्राफ समझ लो, फिर और इसमें नहीं आएगा तो समझा दूंगा मैं। इधर है फोटो करंट, इस डायरेक्शन में इधर है प्लेट पोटेंशियल। प्लेट पोटेंशियल मतलब हम कैथोड की बात कर रहे हैं कि एनोड की बात कर रहे हैं? एनोड, एनोड प्लेट। इधर है रिटार्डिंग, रिटार्डिंग क्योंकि हम नेगेटिव दे रहे हैं पोटेंशियल, इसे रिटार्डिंग। ये जीरो, अपन ने अभी देखा था कि जीरो पोटेंशियल होने पर भी उसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है, तो वो वहां जा रहा है आगे। तो जीरो होने पर भी वो जा रहा है आगे, तो जीरो पर भी कुछ करंट मिल रहा है। पर एक स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया माइनस वी जीरो, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाना बंद हो रहे हैं, और न्यू हमारे पास न्यू जीरो से ज्यादा है, और हमने इंटेंसिटी लाइट के भी आई बंद रखी है। तो ग्राफ यहां से शुरू होगा अपना, ये कुछ ऐसा जाएगा, और एक स्टेज के बाद और थोड़ा सा पहले यहां से ऊपर जाएगा, थोड़ा ऐसा करंट बढ़ता जाएगा, एक स्टेज बाद जाके कॉन्स्टेंट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये स्थिति आ गई कि आप प्लेट पोटेंशियल कितना ही बढ़ा लो, करंट जो आपको ये मिला है इतना से कुछ भी जो वैल्यू करंट की, आई वन इसलिए नहीं दे सकते नाम दिया, अच्छा स्मॉल आई वन नाम दे सकते अपन, ये स्मॉल आई वन करंट, इससे ज़्यादा करंट आपको नहीं मिलेगा, प्लेट पोटेंशियल कितना ही बढ़ा लो करंट कांस्टेंट हो जाएगा। अब हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई टू कर ली, सच दैट आई टू इज ग्रेटर देन आई वन, मतलब और लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो क्या होगा, इस रेंज में जीरो पोटेंशियल पे, पॉजिटिव पोटेंशियल में या नेगेटिव में, अब करंट की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी भी वही रहेगा, अब करंट थोड़ा सा हमको और ऐसा मिल जाएगा, यहाँ आके कॉन्स्टेंट हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर आके इधर ऐसा। तो ये यहाँ पे कॉन्स्टेंट मिल गया अपने को आई टू, ये आई वन। मतलब जब हम ये प्लेट पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है, एक लिमिट के बाद जाके जीरो हो जाता है। निश्चय तिवारी खुशी यादव कौन से स्कूल में बैठा आप लोग? निश्चय एंड खुशी, आर यू ऑल्सो स्टूडेंट? तो ये अपने पास पोटेंशियल का इफेक्ट क्या मिला, कि प्लेट पोटेंशियल को पॉजिटिव साइड में बढ़ाने पे करंट बढ़ता है, एक लिमिट के बाद आके सेचुरेशन हो जाता है, जीरो पोटेंशियल पे भी कुछ करंट की वैल्यू मिलती है, और जब हम प्लेट पोटेंशियल को नेगेटिव करते हैं तो जैसे ये माइनस भी जीरो पे जाते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, उसके बाद कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, इंटेंसिटी आप कितनी भी बढ़ा लो, आई टू कर लो, आई थ्री कर लो, आई फोर कर लो। फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे फिक्स रखी है क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे पोटेंशियल डिपेंड करता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी और बढ़ जाएगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, भी नेक्स्ट इफेक्ट में उसमें आएंगे। ये पॉइंट क्लियर है सबको?
ये पॉइंट क्लियर बेटा सबको? एक मिनट चेक। यस सर। रब कर दूं इस पॉइंट को, सबने समझ लिया है, नोट कर लिया है? इसमें अगर हम एक और इंटेंशन लेंगे आई थ्री, तो ग्राफ यहीं से शुरू होगा और थोड़ा सा और ऊपर से आके आ जाएगा। और ये जो पॉइंट अपन देख रहे हैं, इन पॉइंट पे कभी कभी दो नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तीन नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि उसको अब सारे इफेक्ट को एक्सप्लेन करो। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड लिखो, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। थर्ड, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो। अब हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, अब इंटेंसिटी फिक्स रहेगी, हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे और जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो न्यू जीरो से बड़ी होना अभी भी जरूरी है। ये पॉइंट तो बहुत स्पेशल ध्यान रखना है, न्यू जीरो से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट पे हमको फोटो करंट मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अब न्यू हो गया ग्रेटर देन न्यू जीरो, इसमें जो ग्राफ आएगा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ऐसा। इधर हमने क्या लिया, वही प्लेट पोटेंशियल लिया, इधर तो प्लेट पोटेंशियल जिसको हम एनोड पोटेंशियल बोल रहे हैं उसको कलेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर रहा है, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। इधर रिटार्डिंग पोटेंशियल क्योंकि नेगेटिव है, इधर प्लेट पोटेंशियल ये जीरो, इधर फोटो। अब देखो इसका ग्राफ बिल्कुल वैसे ही मिलेगा, हमने इंटेंसिटी फिक्स कर रखी है, तो ग्राफ थोड़ा सा यहाँ से ये ऐसा कुछ वही जो भी अपन ने पहले बनाया था वैसे आ जाएगा, हमको बहुत जल्दी सैचुरेशन करंट मिल जाएगा। ये न्यू वन फ्रीक्वेंसी के लिए है, न्यू वन इज ग्रेटर देन न्यू जीरो, वो तो मस्त और ये आ गया माइनस वी जीरो। अब हमने इंटेंसिटी को चेंज नहीं किया है, हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं। किसको चेंज कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी को। जब बिना इंटेंसिटी चेंज किए फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक और स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस वी जीरो टू, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे क्या होगा? देखो अपना इक्वेशन होती है, हमने एनर्जी ई प्रोवाइड करी, एच न्यू नॉट यानी फाइन नॉट उसको इलेक्ट्रॉन इमिट होने में लग गई, बची हुई कहाँ आ गई? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में। तो जब इस एनर्जी को बढ़ाएंगे, ये तो फिक्स है किसी भी मेटल के लिए, ये एनर्जी तो फिक्स होती है कि इतनी चाहिए, मतलब चाहिए इलेक्ट्रॉन इमिट करने के लिए। तो जो इसको बढ़े वो कौन बढ़ा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो क्या मिला? अब और इलेक्ट्रॉन्स वहाँ आगे तक जा पाएंगे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमको और नेगेटिव में और बड़ी वैल्यू करना पड़ेगी, तब जाके करंट फ्लो होना बंद होगा, तो सब एक ग्राफ ऐसा आएगा और यहाँ आके फिर ऐसा सेम मिल जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी सेम है इसलिए ग्राफ में चेंज नहीं आएगा, सैचुरेशन करंट सेम मिलेगा क्योंकि इंटेंसिटी हमने चेंज नहीं करी। और हमने मान लो नेगेटिव ले लिया और फ्रीक्वेंसी, ये न्यू वन थी, एक न्यू टू फ्रीक्वेंसी ले ली, वो न्यू वन से भी बड़ी है, वो न्यू जीरो से दोनों ही बड़ी है। एक और फ्रीक्वेंसी न्यू थ्री ले ली, वो न्यू टू से बड़ी है, ये न्यू वन से बड़ी है, वो न्यू जीरो से बड़ी है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी माइनस वी जीरो थ्री, इस पर भी ग्राफ ऐसा इधर से आएगा और यहाँ भी फिर मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का भी क्या इफेक्ट हुआ? जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते गए, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती गई, बट सैचुरेशन करंट सेम रहा। ये न्यू वन यहां नहीं लिखेंगे अपन, क्योंकि वहां तो तीनों करंट आगे सेम मिल रहे हैं, यहां तो तीनों करंट सेम मिल गए, ये न्यू वन, ये न्यू टू, ये न्यू थ्री, ऐसे ग्राफ इसका आ जाए। इन तीनों पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम है?
इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, तीनों में कहीं भी प्रॉब्लम हो पूछ लो एक बार, पर फिर समझ लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। पंकज, अंजलि, संजना, दीपू, सुमित एंड खुशी, किसी को भी प्रॉब्लम हो यू आर फ्री टू आस्क। देखो डाउट्स पूछोगे तो और कंसेप्ट क्लियर होंगे, नहीं पूछोगे तो डाउट ही रह जाएगा। यस क्लियर है बेटा सबको? यस सर। जब कर दूं ये बोर्ड, इतना सबको समझ में आ गया, नोट हो गया जिसको लिखना है सबको? हेलो, अब अपन इसी का एक और ग्राफ देखते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी का ही। अभी तो हमने फ्रीक्वेंसी को थर्ड पैरामीटर रखा था, अगर हम सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी को और स्टॉपिंग पोटेंशियल को देखें, ये फ्रीक्वेंसी, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसका सीधा देखो, एक फ्रीक्वेंसी तो कम से कम चाहिए जब इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, उसके पहले तो इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होंगे। ये हो गया न्यू जीरो, मेटल ए है तो न्यू जीरो ए हो गया, मान लो इसका ग्राफ ऐसे आ गया, क्योंकि इतनी फ्रीक्वेंसी के बिना आपको करंट मिलेगा ही नहीं, तो पोटेंशियल का कोई मतलब ही नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलेगा ही नहीं। स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए क्या जरूरी है कि पहले करंट फ्लो हो उसमें, जब करंट फ्लो ही नहीं होगा तो अपन रोकेंगे किसको? तो इतनी फ्रीक्वेंसी तो जरूरी है करंट प्रोड्यूस करने के लिए या स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए। इसके बाद जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। मान लो ये मेटल ए, मेटल ए में जो हमने फ्रीक्वेंसी जो भी देंगे न्यू ए, वो न्यू जीरो ए से बड़ी होना जरूरी है, तो ही अपने को रिलेशन मिलेगा। अब हमने मेटल बी लिया, जिसके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल न्यू जीरो फ्रीक्वेंसी है वो उससे बड़ी है, ए वाले से बड़ी है बी वाले की, तो ग्राफ यहां से शुरू होगा अपना न्यू जीरो बी, और इसमें भी जो फ्रीक्वेंसी इसको देंगे अपन न्यू बी, वो किससे बड़ी होना जरूरी है? न्यू जीरो बी से बड़ी होना जरूरी है। मेटल चेंज कर लेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है न्यू जीरो, ये प्योरली एक मेटल सरफेस की प्रॉपर्टी है और किसी की नहीं है। इसकी प्रॉपर्टी प्योरली है मेटल सरफेस की प्रॉपर्टी है। ये थर्ड वाले का ही ग्राफ है, ये हमने सीधे सीधे ग्राफ देखा है फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में। क्लियर है यहां तक? कुछ कंफ्यूजन है और? सर हाँ बोलो सर, का इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को एक साथ बढ़ाए तो फिर क्या होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल? तो देखो इंटेंसिटी पे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता ही नहीं है, इंटेंसिटी वाला तो ग्राफ याद है ना, एक ही जगह से शुरू हो रहा था। यस सर। अगर हम दोनों चीज को बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा और करंट की जो सैचुरेशन वैल्यू वो भी बढ़ती जाएगी। करंट की सैचुरेशन वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है? इंटेंसिटी पे, और स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंडेंट है? फ्रीक्वेंसी पे। अगर दोनों को बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा मिलता जाएगा नेगेटिव में, और करंट सैचुरेशन करंट भी ज्यादा मिलता जाएगा। मतलब आपको करंट भी ज्यादा मिल रहा है और जिस वैल्यू पे करंट रुकेगा वो पोटेंशियल की वैल्यू भी ज्यादा हो गई। ठीक है? यस सर। और इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ाने तो आपको लाइट ही चेंज करना पड़ेगी, क्योंकि किसी भी लाइट की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। आप फ्रीक्वेंसी चेंज करना चाहते हो तो आपको लाइट का सोर्स चेंज करना पड़ेगा, कर सकते हैं वो भी। अच्छा, मतलब अच्छा पॉइंट आया कि दोनों बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा और फोटो करंट की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, ज्यादा करंट मिलेगा। ठीक है बेटा, यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है, डाउट है?
ये अपना पूरा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हुई जो तीन इफेक्ट अपन ने देखे, पहला था इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, दूसरा था इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो करंट और इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इसको हम समरी देखेंगे इसकी पूरी, इस पूरे फोटो इलेक्ट्रिक करंट की। यहाँ तक में कोई डाउट हो तो एक बार आप फिर से पूछ सकते हैं। क्या किसी को डाउट? नो सर। सबको आया बेटा समझ में? सब लोग यस नो करें ओके। खुशी, दीपू, सुमित, अंजलि, अपने को हेजिटेट नहीं करना कोई क्वेश्चन हो तो, जो क्वेश्चन हो डाउट हो फ्रीली पूछो। मैं भी आप लोगों के मुंह से ही हूँ, चिंता मत करो। आप भले इंदौर आ गए हो बट मुंह से ही हूँ आप लोगों के, और हाई स्कूल में जिसमें आप पढ़ रहे हो उससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड भी हूँ मैं। तो कोई भी डाउट हो आप पूछो, बिल्कुल हेजिटेट मत करो। नहीं है? नो सर। ओके चलो, अब अपन आते हैं इसकी पूरी समरी पे। तो सबसे पहले तो अपन ये जो हमने तीनों इफेक्ट देखे इसके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, ये पॉइंट चाहो तो आप लोग लिख लो। देखो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वी जीरो, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वी जीरो वो फ्रीक्वेंसी पे लीनियरली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, मतलब उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, नेगेटिव साइन को नहीं ले रहे। तो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, प्रोवाइडेड ये कंडीशन नहीं भूल लेंगे न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू जीरो। अगर न्यू जीरो से कम ही नहीं हो तो ये हमको मिलेगी नहीं कुछ भी इफेक्ट, ठीक है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वी जीरो, इसका इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, नॉट डिपेंडेंट। इंटेंसिटी आप बढ़ाओ कम करो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटेंसिटी का फर्क कहां पड़ेगा? सैचुरेशन करंट। और सेकंड इसका एक तो पॉइंट ये मिला हमको, सेकंड पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट ये है कि न्यू जीरो इज मस्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू लेट इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द सरफेस। मतलब उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराना है तो आपको न्यू जीरो मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो देना ही देना है, उससे ज्यादा भले आप कितनी कम नहीं दे सकते, मिनिमम न्यू जीरो तो देना ही है। इसको क्या बोलते हैं न्यू जीरो को? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। या कट ऑफ स्पेशल फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखो इसका एक और कंक्लूजन नहीं मिलता हमको कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है KE max, जिसकी वैल्यू होती है ई वी नॉट, वो भी किस पर डिपेंडेंट है? फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि K max होता है ई वी नॉट के बराबर, ई वी नॉट किस पर डिपेंडेंट है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। ये ऐसे समझ लो हमने टोटल एनर्जी दी एच न्यू नॉट ले ली उसने इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए, बची हुई एनर्जी उसको कहां मिल गई? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल गई मैक्सिमम, जो कि इलेक्ट्रॉन उस काइनेटिक एनर्जी से कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट की तरफ जाएगा। तो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के ई मैक्स, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के ई मैक्स, ये हमको इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिल गई, ठीक है।
क्लियर है? यस सर। अब जो न्यू जीरो फ्रीक्वेंसी है, आपने अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करी तो इंटेंसिटी आप कितनी भी बढ़ा लो, इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो। बेटा बोर्ड दिख रहा है अभी कि दिख रहा है? लाइट चली गई, इस पे लाइट आ रही है बोर्ड पे कि नहीं आ रही है? सर दिख रहा है। दिख रहा है। तो हम न्यू जीरो से कम कितनी भी फ्रीक्वेंसी कर लें, इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे, इंटेंसिटी चाहे जो बढ़ा लो आप लाइट। पर अगर न्यू जीरो है फ्रीक्वेंसी या न्यू जीरो से ज्यादा है तो इंटेंसिटी आप कम भी रखोगे तो भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे। इंटेंसिटी पे क्या चीज डिपेंड करती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न कि इलेक्ट्रॉन्स का निकलना एमिट। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो ओवरऑल कंक्लूजन है, क्या है ओवरऑल कंक्लूजन, कौन मुझे बताएगा? कोई समरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समरी कोई बताएगा क्या मुझे? आप लोगों में से कोई शॉर्ट में जो जो आज हमने पढ़ा उसकी समरी कोई बताएगा? मेन मेन पॉइंट रिलेटेड विद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ पंकज, एक पॉइंट बताओ कोई। सर फोटो इलेक्ट्रिक करंट में जितनी ज्यादा हम इंटेंसिटी एक सोच के रखेंगे रेडिएशन की, उतनी ज्यादा हमको करंट मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्यों मिलेगा उतना ज्यादा करंट? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा निकले। चलो ठीक है, बाकी लोगों में से भी बताओ एक आध बेटा पॉइंट, जिसने जो समझा हो। आप चैटिंग चैट से बता सकते हो, लिख के भी दूसरा एक और चैट आया है। अच्छा आपने मैसेज किया हिंदी मीडियम, ठीक है। तो खुशी बताओ आपको क्या चीज़ इसमें नहीं समझ में आई बेटा, कोई लैंग्वेज के कारण कोई चीज़ जो नहीं समझ में आई हो बता सकते हो, पूछ सकते हो। सर आज मैंने थोड़ा लेट जॉइन किया था तो थोड़ा छोड़ गया, समझ में नहीं आया। फोटो करंट मतलब क्या होता है? जब आपने कोई एक, देखो मैं उसको आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि आपने कोई एक मेटल प्लेट ली, जैसे मान लो ये मेटल प्लेट है, इस पर एक लाइट गिर रही है यहाँ से ऊपर से, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो की होना जरूरी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को? आवृत्ति। तो इस पर जब उस आवृत्ति की लाइट गिरेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जब हम इसको एक पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, वोल्टेज लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इस कैथोड प्लेट से, जिसको हम कैथोड प्लेट बोल रहे हैं, एनोड प्लेट की तरफ जाएंगे, और एनोड प्लेट की तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? करंट मिलेगा। उस करंट को हमने नाम दिया फोटो करंट। फोटो करंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, ध्यान है आपको? मेरे को क्या टर्म्स हिंदी की मालूम, लैंग्वेज तो मैं हिंदी यूज कर सकता हूँ, टर्म्स हिंदी की दिक्कत जाएगी, आपके पास हो तो बता दो तो मेरे को ध्यान दे जाएगी। फिर हमने इसमें ये देखा है कि जो फोटो करंट निकल रहा है ये फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे क्या किस पर डिपेंडेंट रहते, कौन किस पे कितना निर्भर था, वो सारे पॉइंट आज हमने समझे। ठीक है? यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये पूरा आपने ओवरऑल कंक्लूजन समझा है। इसमें किसी और कोई पॉइंट किसी को बताना है, कोई डाउट है? अब देखो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो वेव थ्योरी पे कैसे डिपेंडेंट है। वेव थ्योरी ऑफ लाइट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो अभी हमने पढ़ा है ये पार्टिकल नेचर के बेस पे पढ़ा है, वो अपन वेव थ्योरी से कनेक्ट कर रहे हैं। वेव थ्योरी का ऐसा कहना है रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उस मेटल सरफेस से, वो किस पे डिपेंडेंट होना चाहिए? इंटेंसिटी पे। किस पे डिपेंडेंट होना चाहिए? इंटेंसिटी पे। दूसरा ये है कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्रिक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, नो इफेक्ट। ये दोनों पॉइंट सही है कि गलत है? जो हमने भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा उसके हिसाब से दोनों पॉइंट सही है कि गलत है? संजना सर फर्स्ट
में आपने बोला था कि ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है और इसमें डिपेंड करता है। तो ये दोनों पॉइंट वेव थ्योरी ने जो दिए थे दोनों पॉइंट गलत है। मतलब वेव थ्योरी ने अपने कंसेप्ट दिए है बट जब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट करके देखा तो ये पॉइंट भी गलत निकला, ये पॉइंट भी गलत निकला। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जो निकलना है एमिशन, मतलब उस मेटल सरफेस से निकलना, वो इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। इंटेंसिटी पे क्या डिपेंडेंट है? कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, कब? जब हम फ्रिक्वेंसी से रिलेट करेंगे। और इसने क्या कहा वेव थ्योरी ने कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रिक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं, जबकि डिपेंडेंट है। अगर हम जब तक न्यू जीरो फ्रिक्वेंसी नहीं प्रोवाइड करेंगे तब तक इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट नहीं होंगे किसी भी मेटल प्लेट से, इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा ली। ये पॉइंट तो आपको बिल्कुल नोट करके रखना है। क्या पॉइंट बताया मैंने कि अगर हमने इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा ली, मिनिमम फ्रीक्वेंसी अगर हम न्यू नॉट नहीं दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट नहीं होंगे। ये फ्रीक्वेंसी देना जरूरी, इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम दिया। फिर वेव थ्योरी ने एक और पॉइंट कहा कि इट टेक्स टाइम, इलेक्ट्रॉन को टाइम लगता है निकलने में, इट टेक्स टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू कम आउट ऑफ दैट सरफेस। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये मेरा हाथ मेटल सरफेस है, इस पर ऐसी लाइट गिर रही है सामने से, ये लाइट आ रही है, मान लो ये लाइट आ रही है, ये लाइट की डायरेक्शन है, तो ये हाथ क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा इस लाइट में से, और एब्जॉर्ब करने के बाद जब एक सफिशियंट एनर्जी इसके पास हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट करना शुरू होंगे। जैसे हम पानी गर्म करते हैं तो क्या होता है, क्या गैस पर रखते से पानी गर्म हो जाता है? क्या नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, वो एनर्जी लेता है पानी गैस में से या जो भी अपने सोर्स पर रखा है, और उसके बाद उसके फिर जो मॉलिक्यूल होते हैं गर्म होकर ऊपर उठते हैं, गर्म मॉलिक्यूल ऊपर, ठंडे मॉलिक्यूल नीचे, फिर गर्म मॉलिक्यूल ऊपर, ठंडे मॉलिक्यूल नीचे, और थोड़ी देर के बाद रोटेशन के बाद पानी गर्म होता है। पर ये पॉइंट भी क्या हुआ, गलत निकला, क्योंकि जब हमने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करा क्या मिला कि सिर्फ 10^-9 सेकंड में या उससे भी कम टाइम में इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है। 10^-9 सेकंड कितना होता है सोच सकते हो आप लोग? बहुत कम, 1 सेकंड के 10^9 हिस्से करना है आपको, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000,00,000 10,00,000,00,000 10 अरब, 1 सेकंड का 10 अरब का हिस्सा, बल्कि और खराब हो जाता है, 1 खराब हो जाएगा, 9 तो 0 आएंगे और 1 आएगा, तो 1 खराब का हिस्सा करना पड़ेगा आपको 1 सेकंड का, जो कि बिल्कुल अपन अंदाज ही लगा सकते हैं खाली, मतलब उसको महसूस नहीं कर सकते। उतने टाइम में तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है जैसे उसके ऊपर इस फ्रिक्वेंसी की लाइट आएगी न्यू नॉट की। तो वेव थ्योरी ने जो 3 पॉइंट दिए थे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, तीनों क्या निकले, गलत निकले। वेव थ्योरी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, वेव थ्योरी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जबकि पार्टिकल्स जैसे जो हमने जो एक्सपेरिमेंट समझा था अभी, वो हर्ट्ज ने किया था, हेलवॉक ने किया था, लेनार्ड ने किया था, उन एक्सपेरिमेंट के बेस पे हम वेव थ्योरी को सही एक्सप्लेन कर पाए, इस वेव थ्योरी के बेस पे एक्सप्लेन नहीं कर पाए लाइट को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन सा नेचर डिपेंड कर एक्सप्लेन करता है मैटर का? पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर। इंटेंसिटी बेटा मतलब ये होता है, इंटेंसिटी मतलब कि उसकी ताकत, लाइट कितनी है। एक जो छोटा बल्ब होता है 10 वाट का बल्ब है, उसकी इंटेंसिटी कम होगी, 50 वाट का बल्ब है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। ये जो रोड पे हेलोजन बल्ब लगते हैं इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इंटेंसिटी मतलब उस लाइट की ताकत बोल सकते हैं अपन, कितनी दूर तक लाइट उसकी जा पा रही है, हम उस लाइट के कारण कितनी दूर तक देख पा रहे हैं। आपके घर में अगर नाइट बल्ब लगा होगा तो आप ज़्यादा चीज़ें नहीं देख पाते हैं, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट दीवारें दिख जाएगी आपको, दरवाज़ा दिख जाएगा, पर बारीक चीज़ें नहीं दिखेगी। पर अगर आपने एक ट्यूबलाइट चालू कर ली तो आपने इंटेंसिटी बढ़ा ली लाइट की आपके कमरे में, तो आपको अच्छे से दिख पाएगा। आप दो लाइट चालू कर लो, इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। समझ में आया इंटेंसिटी का मतलब? और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो उसकी आवृत्ति होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? उसकी आवृत्ति होती है, मतलब उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितनी तेजी से 1 सेकंड में वाइब्रेट कर रहे, फ्रीक्वेंसी होती है।
फ्रीक्वेंसी हम ऐसे नहीं महसूस कर सकते, फ्रीक्वेंसी जब किसी चीज पे लाइट गिरती है तो वो अपनी एनर्जी उसको कितनी देती है उसके बेस पर फ्रीक्वेंसी को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, इसी को अगले संडे फिर कंटिन्यू करेंगे। आप लोग थोड़ी सी रेगुलरिटी बना रहे थे, आज मुझे लगा पंकज सेकंड टाइम कंटिन्यू आ रहा है, बाकी संजना की शायद गैप हो गई थी एक आध बार, एक संडे मेरी तरफ से भी गैप हो गई थी, तो मैं भी उसको मतलब फील कर रहा हूँ, बट आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखो कि गैप नहीं हो बेटा, है ना। आज वाला टॉपिक, आज वाला टॉपिक सबको बराबर समझ में आया, कोई अभी भी किसी को डाउट है या नहीं है? बोलो सर। ठीक, तो अपन इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, अगले और एक टर्न में करेंगे तो ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें तीन चार चीजें और इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद जो भी अगला लेसन आप बोलोगे शुरू। अभी तो अपने पास एग्जाम में बहुत टाइम है, तो बहुत अपने को गैप मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक सर, आपने शुरू में क्या पढ़ाया था? मैंने लेट जॉइन किया था। शुरू में मैंने इसी, ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ना, इसका एक ऊपर डायग्राम दिया है कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कराते हैं और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कैथोड से, वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप को मैंने समझाया था पूरा। ठीक है, चलो तो वाइंड अप करते हैं अपन, है ना। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। हाँ एक मिनट, ये किसने पूछा था बेटा, ये जिसकी पावर ज्यादा होगी, किसने पूछा था ये, जिसकी पावर ज्यादा होगी, किसका क्वेश्चन था बेटा? जिसकी पावर ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा होनी चाहिए ना, किसने पूछा बेटा ये? दीपू। हाँ दीपू, क्या पूछना चाह रहे हो आप? अच्छा दीपू का माइक खराब है। देखो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी डिपेंड करती है, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, एच न्यू। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और एनर्जी ज्यादा होगी तो ऑफकोर्स पावर भी ज्यादा होगा, बिल्कुल सही है। पर पावर और इंटेंसिटी तो अलग अलग चीज हो गई। आप शायद इंटेंसिटी को पावर समझ के कंफ्यूज हो रहे हो। पावर मतलब क्या होता है? पावर मतलब आप कितनी तेजी से काम कर रहे हो, वो पावर होता है। और इंटेंसिटी मतलब, देखो आपने मान लो बोर्ड पे मुक्का मारा, तो मैंने एक ही मुक्का मारा और एक मैंने तेजी से मुक्का मारा, तो मैंने ज्यादा पावर लगाया आपकी। पर इंटेंसिटी मतलब मेरे मुक्के से क्या फर्क पड़ा इस हाथ पे। अगर किसी का हाथ और बड़ा है तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। पावर मतलब स्पीड होगी, मैंने धीरे से मारा, मैंने तेजी से मारा, तो वो पावर होता है। तो पावर मतलब एनर्जी प्रोवाइड करने की कैपेसिटी, कितनी जल्दी हम कितनी ज्यादा ताकत लगा रहे हैं। पर इंटेंसिटी मतलब ताकत। अब हुआ क्लियर थोड़ा? और इसको अपन करेंगे बात, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डाउट है तो अगले अगली बार वो थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ठीक, चल कर रहे हैं क्लास बंद। अब आप लोग की कोई अगली क्लास है क्या अभी? नो सर। चलो तो आप लोग भी लीव करो, मीटिंग में भी लीव करता हूँ ना।